अल्लाह रहमान रहीम। शिफून के कपड़े पे लास्टर के धागे की मदद से चुनट बनाना। इस वीडियो में मैं आपको लास्टर धागे की मदद से शिफून के कपड़े पे चुनट बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। दोस्तों, आज मैं आपको शिफून के बाजुओं में चुनट डालने का तरीका बताऊंगा कि शिफून के बाजुओं में लास्टिक वाले धागे स्टिच लास्टिक वाला धागा जो स्टिचेबल है उससे हम चुनटे बनाएंगे। सबसे पहले आप उसके आगे लैस लगा लें। लैस लगाने के बाद आप निशान लगा लें। ये मैंने निशान लगाया हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये मैंने इस तरीके की मदद से निशान लगाया, 1 2 3 4, ये 3-3 इंच का मैंने इनका फासला रखा हुआ है। इनके अंदर गैप है 3-3 इंच का। इनके अब स्टिच इनके ऊपर मैं स्टिचेबल धागे से जो लास्टिक का धागा है उसकी मदद से मैं इसको चुनटे बनाऊंगा। आपने इसकी लेंथ है 24 इंच और इसकी लेंथ आपने 4 इंच फालतू रख लेनी है। 4 इंच फालतू रखेंगे तो ये क्लोज भी होगा तो खूबसूरत लगेगा। जब इसके चुनटे ऊपर उठेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, उसकी वजह से आप 4 इंच फालतू रख लें। इसकी चौड़ाई आप 20 इंच रख लें और लंबाई आपके हिसाब से रख लें। मैंने 24 तैयार करना है, इसको मैंने 28 इंच काटा हुआ है। दोस्तों, ये हमारा स्ट्रिचेबल लास्टिक धागा है जिसको हमने फिरकी वाटर में इसको डाल लेना है। ये मैंने पहले से डाला हुआ है इसको फिरकी वाटर में। अब इसको डालने का तरीका ये है कि आपने इसको खींच के इसके ऊपर डालना है, इसमें ये डालना है खींच के इस तरह। इसको डब्बी में डाल लेना है। ऊपर जो नॉर्मल थ्रेड है वही लगेगा, नीचे इसके इलास्टिक लगेगी। अब आप इसमें इसको सिलाई लगा लेंगे। ऊपर नॉर्मल धागा है, नीचे इसके स्टिचेबल इलास्टिक का धागा है। ये जो नॉर्मल धागा है इसको ऊपर लेकर आना है, जो स्टिचेबल धागा है इलास्टिक का उसको नीचे लेकर आना है, उसको उल्टी साइड पर रखना है। अब इसको सिलाई लगा लेंगे, थोड़ी चाल बड़ी कर लेंगे। अब इनको सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये चुनटे दोस्तों देखें, चुनटे ढलती जा रही हैं। आपने सिर्फ सिलाई लगानी है सीधी। स्ट्रिचेबल लास्टिक धागे से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, एक बाजू को मैंने ये लगा ली हैं। अब आपने इसकी बाजू की कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। ये 24 इंच बाजू तैयार करना था, मैंने इसको 4 इंच फालतू रख के कटिंग कर दी है। अब इसको सिलाई करते हैं। ये बाजू मैंने सिलाई कर ली। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होगी और कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।